कैसे हो आप? स्वागत है मेरी करियर में, मैनेजर मोड और प्लेयर करियर में। और ये हमारा मैच हुआ था उड़ीसा एफसी से, और पहला गोल रिबाउंड में लग गया था 12 मिनट में। और ये हमारा प्रोफेशनल लेवल है, तो इसलिए हम बहुत इजीली गोल मार रहे थे। लेकिन कोई नहीं, हमारा पहला करियर था, तो अपन को चेक करना था अपन वाला लेवल कौन सा। तो प्रोफेशनल लेवल में तो हम मान ले बड़ा आराम है, जब चार चार गोल, छः छः गोल, इसमें तो छः छः गोल मार दिए हमने, चार चार गोल, और फिर 36 से भी मारा अपने गोल आराम से प्लेस करके। तो हमें अपना लेवल पता चल गया, हमें पहले स्टार्टिंग में लगा कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्राइकर बड़े अच्छे हैं। बट फिर लगा कि प्रोफेशनल लेवल बहुत ईजी हो रहा है। मान लिया फिर हमारा मैच था बेंगलोर एफसी से, देख के मुझे लग रहा था कि टफ होगा। और हाँ, ये टफ था थोड़ा मैच, स्कोर लाइन के हिसाब से देखा जाए तो टफ था, बट ओवरऑली प्रोफेशनल लेवल के हिसाब से तो मतलब ठीक ठाक ही था। तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत ट्राई करी लास्ट 88 मिनट में, और हमसे कुछ गलतियाँ हुई थी, लेकिन हम वो मैच जीत गए थे। फिर हमारा मैच हुआ था मुंबई सिटी से, तो यहाँ पे तो डिफेंडर की गलती से हमने प्लेसिंग वाला गोल मारा था, बड़ा सा प्यारा सा, तो इसका मैंने रिप्ले भी दिखाया है, बड़ा प्यारा सा गोल मारा था बंदे ने। तो ये तो डिफेंडर की गलती से हो गया था। तो हमें एक तो क्या है ना, स्टार्टिंग में हमें गोल मिल जाए तो क्या है ना, बड़ा कंफर्टेबल लेवल आया, तो फिर बाकी का मैच खेलना बहुत आसान रहता है। फिर इतनी ईजी खेले थे, दो गोल से जीत रहे थे, बट ऐसे भी चांस अपन ने छोड़े। फिर ये वाला मैच बड़ा टफ था, मुझे लगा नहीं था इतना टफ होगा, क्योंकि मैं बेंगलोर को समझ रहा था बहुत अच्छी टीम होगी, बट असल में ये टीम बड़ी भयंकर थी, एथलेटिक मैड्रिड वाली, मोहन बगान वाली। तो इसने भाई हमारी हालत ख़राब कर दी थी पहला गोल मार के, और हमें प्रेशर करवा रहे थे। तो पहली बार हमने प्रेशर में काउंटर बैक करके 1-1 करा, तो अब ऐसा लगा कि प्रोफेशनल लेवल तो है ही, मतलब अब जीत जाएंगे, क्योंकि सारे मैच हम जीतते आ रहे थे, कम से कम 2-0 से तो जीतते आ रहे थे। तो अपन को लगा अब दूसरा भी हमारा आपसे मार देंगे, क्योंकि पहला गोल अच्छे से मार देता, बट ये गोल भी बड़ा डिफिकल्ट हुआ था, वो तो अच्छा हुआ मिल गई बॉल फिर। लेकिन उन्होंने हमें समय ही नहीं दिया, और जैसे हम अटैक पे लगे थे, उन्होंने दूसरा भी बड़ा शानदार गोल, बाइसाइकिल किक वाला गोल मारा मोहन बगान ने, जो कि बहुत बढ़िया था। और कोलकाता में क्या है ना, भीड़ बहुत आती है, तो शायद इसलिए भी उनका एक फैक्टर हो गया होगा कि ज़्यादा उनको बंदे सपोर्ट करने वाले थे, तो 12th मैन एक्स्ट्रा से खेल रहे थे। और कीपर भी इतना बिल्कुल चार्ज था ना, गोल ही नहीं होने दे रहा था, उसने तो ठान रखी थी गोल ही नहीं होने दिया। हमारे जो फॉरन प्लेयर थे वो भी गोल मार नहीं पाए, और जो हमारे छेत्री और नीरज नाम के थे वो तो चल ही नहीं पाए थे इस वाले गेम में। तो यहाँ पे मैंने फिर मैं सोचा कि भारत देश के प्लेयरों में रिलाई करना पड़ेगा, और तब भी हमने बहुत गोल छोड़े, ये 3 चांस यहीं छोड़ गए 45 मिनट से पहले। तो 2-1 से तो वो फर्स्ट हाफ में विक्ट्री में रही। और ये वाले पूरे मैच में ना एंड टू एंड अटैक पे अटैक होते रहे, मैं काफ़ी अटैक दिखा नहीं पाया, जो अटैक में दिखा सकता था वो दिखाया, और यहाँ शायद हमने आसानी से गोल मार दिया कृष्णा ने। और ये भी भाई बसते बसते रह गया, क्योंकि पोल में लग गया था, मैंने सोचा आराम से प्लेस करके मारूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा ना हड़बड़ा सी रह रही थी, लेकिन अब तो पता चल गया अब गोल कैसे मारना, पट शॉट मार के वो दबा दे रहे, लेकिन मैं सोच रहा था कि अपना। और ये भी भाई क्या शानदार किक मारे, वो तो रूम ही नहीं दे रहे थे भाई, फट मार दे रहे थे पट, पता नहीं कौन से लेवल में खेले थे, है तो प्रोफेशनल लेवल, लेकिन वो ऐसे ऐसे गोल मार रहे थे ना वो। और कीपर ने भी हमारे काफ़ी सेव करे, अभी भी 2-2 चल रहा था, ऐसा लग रहा था हम जीत सकते हैं, ट्राई हमने करी काफ़ी, लेकिन सामने वाले भी भाई अच्छे से तरीके से ट्राई कर रहे थे, और यहाँ पे उनको भाई बार बार चांस मिल रहा था। और ये कीपर ने तो भाई 3 ऐसे तगड़े तगड़े सेव करे ना, कीपर भी हमारा जवान बंदा जो वर्ल्ड कप खेल रहा था फीफा 16 का। और यहाँ पे अपन ने बहुत अच्छा अटैक मारा था, कंफ्यूज कर दिया था प्लेयर को, लेकिन यहाँ से थोड़ा ड्रिबलिंग थोड़ा लंबी हो गई, तो उस वजह से भाई ये कीपर ने सेव कर लिया। तो लास्ट वाला मैच तो बड़ा भयंकर हुआ था, 2-2 से, लेकिन ड्रॉ हो गया। अभी तक हम कोई हारे नहीं, अनबीटन था। और यहाँ पे फिर प्रोफेशनल लेवल का बहुत इजी लगा ये लेवल, तो फर्स्ट चांस मिला, एक शॉट गोल। तो ये हमारा जमशेदपुर के साथ था ये मैच, तो एफसी गोवा तो जीते पे जीते जा रही है, और काफ़ी गोल हमने मार दिए थे, जैसे कुछ 2-2 गोल तो सब में मारे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया जो मिडफील्डर मैंने लिया है ना, ये वाला बाहर का लिया है, एशियन कंट्री का है, लेकिन ये है कि इसको एक शॉट मिलता है ना बाहर से, तड़ा एक शॉट मारता है, और ये इसका सेलिब्रेशन का स्टाइल काफ़ी अच्छा गोल था। रीप्ले में हम देख सकते हैं इसको, हल्का सा चांस मिलता है, मैंने देखा इसके मिड प्लेयर ने ऐसे होना चाहिए, हल्का सा चांस मिले गोल, और ज़्यादा प्रोफेशनल गोल कीपर था, तो इसलिए अच्छे से उसने रोक नहीं पाया। और धीरे धीरे मैं अपना ना भी लेवल बढ़ाऊंगा। और ये सारे गोल ना बड़े देखने लायक थे, ये भी बड़ा देखने लायक था, जमशेदपुर वाले टीम ने ना बड़े भयंकर भयंकर गोल खाए, और ये तीनों के तीनों देखने वाले थे। और ये तो मेरा ही कस्टमाइज प्लेयर था नीरज बिस्ट नाम से, मैं मैनेजर मोड भी खेल रहा हूँ जैसे मैंने बताया था, और करियर मोड भी खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छा चांस मिला था, और ये उठा ली, और ये टक शॉट, गोल कीपर बेचारा कर ही नहीं पाया, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल प्लेयर है।
फिर हम जमशेदपुर से एक गोल और ये मारा, ये भी अच्छा था, और मेरे दो गोल इसी दिन दो गोल हो गए। तो नीरज नाम के प्लेयर से, नीरू नाम शॉर्टकट है निकनेम, तो भाई बंदे ने दो गोल मार दिए। तो चार चार दो गोल से तो हम आराम से जीतते ही हैं। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि अपना लेवल अप बढ़ाएंगे।